नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के दौरान स्वच्छता जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल स्थित दूरदर्शन केंद्र में भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत पाठराबे, दूरदर्शन केंद्र भोपाल के DDG आशीष पोतनीस, आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र की समाचार प्रमुख पूजा पी वर्धन के अलावा केंद्रीय संचार ब्यूरो के अधिकारी और दूरदर्शन कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने दूरदर्शन केंद्र भोपाल में पौधरोपण कर हरियाली संवर्धन का संदेश दिया। इस अवसर पर PIB के ADG प्रशांत पाठराबे ने सभी उपस्थित जनों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। राजनीतिक आजादी ही नहीं, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष में जो है स्वच्छता 4.0 कार्यक्रम जो है वो सारे कार्यालयों में उसका पालन हो रहा है, तो उसके तहत जो स्वच्छता अभियान है उसमें पौधारोपण कार्यक्रम जो है वो भी बड़े मात्रा में बहुत सारे कार्यालयों की तरफ से किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि दूरदर्शन ने भी अपने कार्यालय में इस प्रकार का ट्री प्लांटेशन जो है करवाया। इसमें CBC की तरफ से भी एक छोटा सा योगदान कुछ पौधे देकर दिया गया है। और मुझे ये भी जान के बहुत खुशी है, दूरदर्शन की तरफ से अभी पोतनीस साहब ने मुझे बताया कि स्वच्छता के तहत केंद्र सरकार के जो बड़े कार्यालय भोपाल में हैं, जैसे मानव संग्रहालय हैं और बाकी कार्यालय हैं, उनमें भी जाकर दूरदर्शन की टीम जो है वो सफाई और स्वच्छता का अभियान करेगी। तो दूरदर्शन के कर्मचारी भी बाहर सामने आ रहे हैं और स्वच्छता को लेके अच्छे उपक्रम मना रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है।